दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 243 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा ट्रेलर शुरू होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जहां पर टेंशन बाकी के श्रेक डेवल्स से अलग होकर स्टार टू फॉरेस्ट के अंदर पहुँच चुका होता है और वह अपनी दूसरी मार्शल सोल हाउशन हैमर में सोल रिंग्स के लिए सोल बीस्ट ढूंढ रहा है। वैसे टेंशन के हाउशन हैमर में पहले से ही 3 सोल रिंग मौजूद है, जिसमें से पहली सोल रिंग एक रेड कलर की सोल रिंग है और यह सोल रिंग टेंशन को आमिंग से मिली थी और इसकी एज कम से कम 150,000 ईयर्स है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे दोस्तों इस सोल रिंग का मुकाबला सिर्फ बिबरडोंग जैसी ग्रेट सोल मास्टर ही कर सकती है। सच में ये सोल रिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी एबिलिटी को हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वही हाउशन हैमर के बाकी के 2 सोल रिंग ब्लैक कलर के सोल रिंग है और जिसमें से दूसरी सोल रिंग के एज 70,000 ईयर्स है और यह सोल रिंग टेंशन को व्हाइट आईड डेविल टाइगर किंग को मारने के बाद मिली थी। लेकिन परंतु तीसरी सोल रिंग के बारे में अभी तक हमें नहीं पता चला है। अब टेंशन को अपनी हाउशन हैमर के लिए टोटल 5 सोल रिंग की जरूरत है और इस सिन में टेंशन अपनी ब्लू सिल्वर डोमिनी की मदद से अपने लिए सूटेबल सोल बिश ढूंढ रहा होता है। तभी उसे जंगल के बीच में एक डार्क पर्पल कलर की रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर टेंशन उसी तरफ बढ़ने लगता है। वैसे दोस्तों नॉवल के हिसाब से टेंशन की वह 5 सोल रिंग व्हाइट आईड डेविल टाइगर किंग की और 15 टन एंट की सोल रिंग होने वाली है। वैसे टेंशन पहले ही तय कर चुका है, वो एक पावरफुल गॉड बन के हुहन एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर को सबक सिखाएगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा। अब अगले सीन में हमें क्वीन रेंगसू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी काली जगह पर घूम रही होती है। उसके दिमाग में बस यही बात चल रहा होता है कि आखिर एंजल गॉड ने उसकी 9 ट्रेल के लिए कौन कौन 3 टास्क तय किए हैं। क्वीन रेंगसू सबसे ज्यादा मानती थी, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। आखिर कैसे क्वीन रेंगसू इस ट्रेल खत्म करेगी, तो हम इसके बारे आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अब क्वीन रेंगसू आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर रुक जाते हैं, जहां उसके सामने एक ट्रांसफॉर्मेंट एंजल गॉड दिखती है, जो उसे चारों ओर गिरी हुई होती है। जिसे देखकर क्वीन रेंगसू अपने मन में ये बात ठान लेती है कि वो अपनी ग्रैंडपा की ख्वाहिश को पूरा करेगी और गॉड बन के ही रहेगी। अब ट्रेलर के अगले सीन में हमें बिबरडोंग के एक सैनिक ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि कास्कर बिबरडोंग अपनी कंट्री वापस लौट रही है। वैसे टेंशन से पीटने के बाद बिबरडोंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अपनी टीचर को इतनी गंभीर रूप से घायल होता देखकर होलिना चिंतित होकर सोचने लगती है, वापस लौटने की यात्रा में कोई भी मुसीबत कड़ी होनी नहीं चाहिए और यह सफर मेरे टीचर के लिए एक अच्छा सुकून भरी होना चाहिए, क्योंकि अब टीचर और ज्यादा मुसीबत नहीं झल पाएगी। और इतना कहते हैं आज का हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।